झूठ, हमेशा झूठ बोलती आई वो औरत, मेरी माँ। और पापा हमेशा मुझे सच की सीख देते थे, जबकि मेरे और उनके रिश्ते की बुनियादी झूठ है। आप सत्य सावित्री बनकर फिरती है वो, और पापा के रहते हुए जी जी मुझे तो कहते हुए नहीं शर्म आती ऋषभ, मुझे करते हुए शर्म नहीं आई। ये सब कहने का क्या फायदा है? किसी भी चीज का क्या फायदा है ऋषभ, जिंदगी का क्या फायदा है, मुझे माँ बाप होने का क्या फायदा है, क्या फायदा है? मुझे मामा पापा में से एक का भी होना था ना ऋषभ, तो मैं पापा की क्यों नहीं? उम्र के ना जाए जाना क्यों है ऋषभ? सोचे से तो औरत के साथ मुझे पैरों के नीचे मार डालो, पिटल डालो, मार डालो। क्या क्या चुके चुके क्या चुप हो जाओ यार, चुप क्या क्या तुम कोई पाप नहीं हो, कोई कीड़ा नहीं हो तुम, तुम एक बहुत खूबसूरत इंसान हो और मेरी बहन हो तुम। लेकिन इस सच्चाई की वजह से तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। रिया, मैं तुम्हें इस रिश्ते को नहीं मिटाने दूंगा, नहीं मिटाने दूंगा। मैं अभी तुम्हारा बड़ा भाई हूं, वही बड़ा भाई जो हमेशा तुम्हारे पर रोब जाता रहता है, यही सच है, यही सच है रिया, समझी? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं कि तुम फौरन जाके पापा से सवाल पूछोगी, लेकिन हमारे बड़े काफी सालों से हमसे झूठ छिपाते आ रहे हैं और इतनी आसानी से हमें सच नहीं बताएंगे, डैड तुम्हें फिर से झूठ बोलेंगे। मैं सच जानकर भी अनजान बने रहूं, हाथ पर हाथ देकर बैठ जाऊं? या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अब सिर्फ तुम पर भरोसा है मुझे। तो फिर मुझे वक्त दो, मैं पापा से जाकर बात करूंगा, घूम फिरा कर नहीं, सीधे सीधे। ओके आरुष आलिया, देखो बहुत हो गया, जल्दी खोलो दरवाजा। हेलो हेलो हेलो, अरे कुछ बोलो भी भाई, हेलो। रिया तुम? नहीं मेरा भूत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी आंटी, तुम्हारी मम्मी तो नहीं चाहती ना कि तुम मुझसे मिलो? तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अच्छी बात नहीं है रिया। अच्छी बात नहीं है इसीलिए तो मैं कर रही हूँ। कोई कौन होता है मुझसे ये कहने वाला कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए? जो मेरी मर्जी आएगा ना वही मैं करूंगी, मुझे किसी की परवाह नहीं है, उस मेरी माँ की भी नहीं। स्टॉप टॉकिंग रबिश रिया, तुम्हें पता है तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। मुसीबत में मैं पढ़ना चाहती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? What's wrong with you? दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गई मैं, जी चाहते किसी का खून कर डालूं मैं।
और तुम यहाँ खड़े खड़े मुझसे पुलिस की तरह सवाल जवाब करोगे? कॉफी नहीं पिलानी मुझे? अच्छा ठीक है, बैठो, मैं कॉफी लाता हूँ। नहीं बैठना ना मुझे, खड़ा रहना मुझे। अच्छा जो करना है वो करो, मैं कॉफी लाता हूँ। गर्मा गर्म कॉफी, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ेगा। तो कॉफी तो पीती जाओ। नहीं पीनी कॉफी। यार तुम्हीं ने तो कहा था ना कॉफी बनाने के लिए। तभी पीनी थी, अभी नहीं पीने, मुझे जाना है। अच्छा तो मैं इसका क्या करूँ? कुछ भी करो ना, गौतम सर पे डालो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पीनी है कॉफी। रिया तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो? मैंने क्या किया है? बात क्या है मुझे बताओ। मैं नहीं बता सकती, मुझे जाना है। रिया प्लीज लिसन टू मी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं नहीं बता सकती, मैं जा रही हूँ। ऋषभ आए तो उसे कह देना मैं चली गई। अरे अगर ऋषभ को पता चला कि मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया तो वो मारेगा मुझे। गौतम मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो हर समय मेरे साथ कोई ना कोई होना चाहिए। और अब जो भी कुछ करना पड़ेगा ना मुझे अकेले करना पड़ेगा। हेलो रिया लिसन टू मी। ए दिस इज व्हाट आई कॉल अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आए ऋषभ? काफी देर से बैठा। मुझे भी बैंक में थोड़ा काम था, देर हो गई। क्रिस्प नोट चाहिए? अभी अभी लाया हूं। हेलो अंकल, मैं आरुष। और मैं आलिया। हेलो आरुष, हेलो आलिया। लगता है आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अभी अभी ऋषभ आया है यहाँ। और अब तुम्हारा फोन। अंकल हमें कुछ चाहिए। जो चाहो मांगो बेटा, ये सांता क्लॉस तुम्हें सब दे देगा। अंकल हमें राधिका आंटी का फोन नंबर चाहिए। मम्मी दे नहीं रही है। राधिका आंटी का नंबर चाहिए? बेटा मैं दे तो दूंगा, पर क्यों चाहिए? हमें रिया दीदी और ऋषभ भैया वापस चाहिए। हाँ हाँ बेटा आ जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। मैं राधिका आंटी से बात कर लूंगा। ओके अंकल, आप प्लीज उनसे कह देंगे ना? प्लीज अंकल, प्लीज 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 प्लीज। आई प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। थैंक यू अंकल। नो प्रॉब्लम बेटा। थैंक यू अंकल, बाय बाय। यही तो चाहिए मुझे, बच्चों का प्यार सबको इतना करीब लाए कि बड़े अपनी दूरियां भूल जाएं। ऊपर से तो सब ठीक लगता है पापा। अरे भाई ठीक होगा तभी तो लगता है, यही प्रॉब्लम है ऋषभ। इंसान अपने आप को पूछता रहता है क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश हूं, और यही सवाल उसे दुखी कर देता है। अरे भाई जैसा है वैसा है, खुश रहो, क्यों कुरेद कुरेद के अपने आप को दुखी कर रहे हो? क्योंकि अगर कुरेदेंगे नहीं तो शायद सच कभी बाहर नहीं आएगा। ये सब किताबी बातें हैं, ऐसी वैसी बातें हैं, फिक्शन। इसलिए मैं हकीकत जानने आया हूं पापा। कैसी हकीकत? रिया किसकी बेटी है? क्या कान बजने लगे हैं उसके? हिंदी फिल्में और कॉमिक्स की वजह से उसकी सोच भी वैसे हो गई है, मेलोड्रामा। डैड ये सिर्फ रिया ने नहीं मैंने भी सुना था। क्या सुना? हाँ क्या सुना तुमने? रुचिका ने या मैंने ये कहा कि रिया मेरी बेटी नहीं है? क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? अपने कानों से सुना तुमने? नहीं। तो कैसे सुनते हैं? किसी ने कुछ कहा ही नहीं। बट डैड देखो ऋषभ, बहुत बचपन हो चुका है, तुम अब बड़े हो गए हो, अमेरिका जाते तो अपनी देखभाल खुद करते। तुम्हारी मम्मी को इस बात का बुरा जरूर लगा है कि तुम अमेरिका नहीं जा पाए, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि तुम समझदार हो गए हो, अपने पेरेंट्स की मदद करना चाहते हो, उनके पास रहना चाहते हो, छोटी बहन की देखभाल करना चाहते हो। पर तुम कर क्या रहे हो? ऐसे नाजुक वक्त पर अपनी छोटी बहन को समझाने के बजाय बात का पतंगड़ बना रहे हो, मेरी मदद करने के बजाय मुझे परेशान कर रहे हो उलझुल उलझुल सवाल करके। डैड मैं तो सिर्फ मम्मा के बारे में। देखो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, तुम्हें जो राधिका से पूछना है पूछ लो, वो जवाब दे देगी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक हो जाने के बाद। Have I made myself clear? तो फिर डैड आप अमर के बारे में तो कुछ नहीं जानते होंगे ना?
तुम अमर के बारे में कैसे जानते हो? मॉम की अलमारी से मुझे एक एल्बम मिली थी। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तुम दोनों पे गर्व हो रहा है मुझे। यही सिखाया हमने तुम्हें? आज तक तुम्हारी एक चिट्ठी तक नहीं खोली हमने, आज तुम अपनी मामा की जासूसी कर रहे हो? डैड, ऐसी बात नहीं है। लुक, I'm sorry. एक्चुअली रिया इतनी डिस्टर्ब हो गई थी और मैंने भी बहुत कुछ सुन लिया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे आके पूछ लूं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कुछ नहीं। नहीं नहीं, पूछो, करो, मुझसे सवाल करो, बोलो ऋषभ। रिया क्या आपकी बेटी नहीं है? बिल्कुल नहीं, रिया मेरी बेटी नहीं है। ये सुनना चाहते हो ना तुम दोनों? पर ये बात झूठ है। सच्चाई तो ये है कि रिया मेरी बेटी है और मैं ही रिया का बाप हूं। अब अगर इस बात पर तुम विश्वास करना चाहो तो करो, नहीं तो डैड आई एम सॉरी, बोथ मी एंड रिया वेरी सॉरी। वो उस दिन हम दोनों ने आपकी बात सुन ली थी। उस दिन मैंने क्या कहा मुझे कुछ याद नहीं है, और मुझे अगर पता होता कि तुम मेरी बात सुनकर उसकी बिना पर मुझे यूं अदालत के कटघरे में खड़ा करके मुजरिमों की तरह सवाल पूछने वाले हो तो मैं हर शब्द सोच समझ के कहता या अपने बचाव में उसे रिकॉर्ड ही कर लेता। आपका गुस्सा जायज है डैड, लेकिन मैं अपनी और रिया की तरफ से बस ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे दिल में एक गलत फहमी आ ही गई है तो ये ठीक बात नहीं है कि मैं आपसे आकर साफ साफ बात कर लूं, या ये बेहतर है कि मैं उस गलतफहमी को अपने दिल ही में रख दूं और अंदर ही अंदर तड़पते रहूं। नहीं बेटा, तुमने ठीक किया। तुम दोनों की सोच गलत है, पर तुमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। मैं अपने बच्चों से यही चाहता हूं, क्यों मुझसे आके साफ साफ बात करें। और एक सच मैं दोहराता हूं, रिया मेरी ही बेटी है, मैं ही उसका बाप हूं। और हां, मैं उसे मिलूं उससे पहले तुम ये बात उसे समझा देना, ताकि ऐसा लगे कि हम दोनों के बीच कुछ हुए नहीं। और ये दोबारा कभी नहीं होगा। उसे कुछ बताया तो नहीं ना दिलीप? नहीं नहीं, सच तो नहीं बताया, और जो कुछ बताया उसे झूठ तो नहीं लगा। मुझे डर इस बात का है कि रिया को ऋषभ पे विश्वास होगा या नहीं। तुम ध्यान रखना, कहीं रिया तुम्हारे पास ना आ जाए पूछने के लिए। डोंट वरी, मुझे नहीं लगता वो यहां आएगी, और अगर आ भी गई तो मैं हैंडल कर लूंगी। अब तो आदत हो गई है, एक्सपर्ट हो गई हूँ झूठ बोलने में। तुम बस अपना मोर्चा संभाले रखना, ओके? बाय। अच्छे लोग हैं आप सब, अच्छे माँ बाप, ईमानदार सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, करप्ट भ्रष्ट सोसाइटी के ईमानदार लोग जो हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहते हैं। अच्छा दिखावा कर लेते हैं, मॉम, डैड, आप हिपोक्रेट्स, ऑल ऑफ यू, व्हाई?
जो सिद्धांत आपके जीवन में लागू नहीं है वो हम पर लागू आप क्यों करना चाहती है? क्यों साथ बनाने पर तुले आप हमें? क्यों नहीं आजादी देते हमें उन खोखली परंपराओं से, उन झूठे वैल्यू से? सच्चाई, प्यार, ऑनेस्टी और नॉनसेंस। दिया, ये सब क्या कह रही हो तुम? प्लीज ऐसा मत कहो। आपको करने में कुछ नहीं लगा हा? और मैंने कह दिया तो आपको बुरा लगा? देख, आपको क्या लगता है हमें कुछ दिखता नहीं? हम देख नहीं सकते, हम बहरे हैं? या ये सोचते हैं कि आप जैसे हम भी शुतुरमुर्ग की तरह रहते सर दसाकर आने वाली मुसीबत को ना देखते हैं ना देखना चाहते हैं? रिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम प्लीज पहले मेरी बात सुनो। मैंने आपकी हर बात सुन ली है, आपकी और पापा के बीच की हर बात मैंने सुन ली है, मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। सच्चाई सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, एक बार बहुत गुस्सा आता है कि जिन लोगों पर मुझे इतना विश्वास था उन्होंने मुझसे झूठ बोला, लेकिन दूसरी ओर लगता है कि झूठ नहीं सही। मैं खुश तो थी, क्या जरूरत थी मुझे सच जानने की? क्या जरूरत थी आपको वो सब बातें बोलने की? से सच की बात कर रही हो? क्या कहा है मैंने? आप अभी मुझसे सच छुपाने की कोशिश कर रही हैं रुचिका आंटी, मत मत छुपाइए मुझसे सच। मैं जान चुकी हूँ, मैं अपने पापा की बेटी नहीं हूँ। मैं अपने पापा की बेटी नहीं हूँ। तुमने बिल्कुल गलत सुना है और बिल्कुल गलत समझा भी है। तुम दिलीप और राधिका की बेटी हो। झूठ! मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? मेरा विश्वास करो, मैं केतन की, आरुष, आलिया, जिसकी कहो कसम खाने के लिए तैयार हूं। तुम दिलीप की बेटी हो, मैं तुम्हारी मां राधिका दीदी जिन्हें मैं बेहद प्यार करती हूँ, उनकी कसम खा के कहती हूँ दिलीप तुम्हारे पापा है। सच? सच। अब अंदर चल के लेटो, बहुत तेज बुखार है तुम्हें। क्या हुआ? आपकी बातों पर एतबार करने का बहुत दिल करता है, कर नहीं पा रही। रिया, रिया एक मिनट, रिया प्लीज मेरी बात तो सुनो। मर लेगा क्या? कहीं और जाके मरना? मेरे गाड़ी मिला तुमको मरने के लिए? पागल कहीं का? तुम ठीक तो हो बेटी? कहाँ जाना है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रुचिका, तुम क्या कह रही हो? दिलीप, रिया यहाँ आई थी। और उसने तुमसे पूछा? हाँ। तुमने सिचुएशन को हैंडल तो कर लिया ना? हाँ दिलीप, मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया है। क्या तुमने उसे सच बता दिया? हाँ। नहीं नहीं दिलीप, देखो तुम जो सोच रहे हो वो मैंने उसे नहीं बताया। ओ थैंक गॉड, मैं समझ गया तुमने क्या कहा होगा। मुझे लगा तुमने उसे वो बता दिया जो हमने किसी को ना बताने की कसम खाई है। वो कसम तो मैं चाहकर भी नहीं तोड़ पा रही हूँ। मुझे तो वो बात केतन को भी कहने की इजाजत नहीं है, लेकिन रिया ने मेरी बात नहीं मानी। वो गुस्से में यहाँ से चली गई बुखार की हालत में। तुम्हारे पास तो नहीं पहुंची ना अब तक? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं आई। डोंट वरी, उसका गुस्सा बिल्कुल उसकी माँ पर गया है। पल में तोला, पल में मारा। दीदी के जिस गुस्से से मैं वाकिफ हूँ वो तो अभी तक उतरा नहीं है। इतने साल हो गए। वो भी उतर जाएगा। हर चीज का अपना वक्त होता है। तुम रिया की चिंता छोड़ो, अपना ख्याल करो। रिया समझदार लड़की है, कभी कभी बेवकूफिया कर जाती है। डोंट वरी, मैं जानता हूँ वो कहाँ होगी। Thank you.
answer the phone. Come on, come on. जानता हूँ तुम वहाँ हो.